हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज हम करेंगे क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स। चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग एंड टॉपिक है हमारा सप्लाई ऑफ मनी। सो गाइस, मनी सप्लाई में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी पीपल यानी हम लोगों के पास जितना भी पैसा है वो सारा कहलाएगा सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, अपने पास जितना भी पैसा पड़ा हुआ है वो सारा मनी सप्लाई किया होगा, जैसे कि हमारे नोट्स हैं, हमारे पास कॉइन्स हैं, हमने बैंक में पैसा जमा करा रखा है, वो सारा पैसा सप्लाई ऑफ मनी कहलाएगा। अब बात ये उठती है, हु आर द सप्लायर्स ऑफ मनी? ये जो मनी है जो कि हमारे पास होता है, हम इसका स्टॉक बना के रखते हैं, इसको सेव करके रखते हैं, इसको सप्लाई कौन करता है? भाई पैसा आता कहाँ से है? तो पैसा आएगा गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, ठीक है, गवर्नमेंट इशू करती है पैसा, या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री जो कि है हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आएगा पैसा, या आएगा आपके कमर्शियल बैंक से जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इन सभी बैंक जो होते हैं, ये सभी चीज ये मनी के सप्लायर होते हैं, यानी ये ही लोग मनी इशू करते हैं। अब इस टॉपिक से एक बात निकल कर आती है, देखो, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय ऑल ऑफ देम डज नॉट कम अंडर सप्लाई ऑफ मनी। यानी हमने क्या पढ़ा था अभी तक कि हम लोगों के पास जितना भी पैसा है वो सभी सप्लाई ऑफ मनी है ना। लेकिन अगर जो है ये स्टॉक ऑफ मनी, यानी अगर ये पैसा इन तीनों के पास है तो ये सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड नहीं होगा। यानी सिर्फ जो पैसा हम लोगों के पास होगा वो सप्लाई ऑफ मनी होगा, और इन तीनों के पास जो पैसा होगा, इनका जो पैसा है वो जो है मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होगा। क्योंकि इसका एक रीजन है, बिकॉज दिस मनी इज नॉट इन एक्चुअल सर्कुलेशन ऑफ कंट्री। क्योंकि इनके पास जो पैसा होता है वो हम सब लोगों में सर्कुलेट नहीं होता है, ये इन्हीं के पास रह जाता है, इसलिए ये जो है सप्लाई ऑफ मनी में इनका पैसा इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें अब मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, यानी मनी सप्लाई को कैसे मेजर किया जाता है। तो अगर इंडिया की बात की जाए, जिस कंट्री में हम लोग रहते हैं, वहां चार मेजर्स हैं, चार तरीके से मनी सप्लाई को मेजर किया जाता है, M1, M2, M3 एंड M4। सो अगर M1 की बात की जाए तो M1 में कौन कौन सा पैसा इंक्लूड होता है? M1 का एक फॉर्मूला है, M1 इज इक्वल्स टू C प्लस DD प्लस OD। ये तीन चीजें जो है M1 में इंक्लूड होती है, यानी अगर हम मनी सप्लाई को M1 के तरीके से मेजर करते हैं तो तीन चीजें ही सिर्फ लेते हैं। तो सी से क्या हो गया आपका, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, यानी हम लोगों के पास जो भी करेंसी यानी जो पैसा है, चाहे वो सिक्के हो, चाहे पेपर के नोट यानी 500, 1000, 2000 के नोट हो, वो सभी जो है M1 में आएंगे। M1 में और क्या आता है, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पीपल विद कमर्शियल बैंक्स, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर इसमें हमारा कोई भी पैसा है डिमांड डिपॉजिट्स, यानी सेविंग्स बैंक अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में हमारा बैंक में कोई भी पैसा है तो वो भी क्या आएगा, M1 में। दूसरा देखते हैं अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स में क्या आता है, यानी डिमांड डिपॉजिट आरबीआई के पास किस किस के हैं। अगर किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे नाबार्ड के हो, किसी फॉरेन सेंट्रल बैंक के हो, किसी फॉरेन गवर्नमेंट के हो, किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक के हो, इन लोगों का पैसा अगर आरबीआई के पास है तो वो सारा M1 के अंदर आएगा। तो M1 में अपने क्या क्या चीजें आ गई, एक हम लोगों के पास जो पैसा है और एक हम लोगों का पैसा जो हमने बैंक में जमा करा रखा है, और साथ में आरबीआई के पास इन लोगों का जो पैसा है वो सारा M1 के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है M2 मेजरमेंट। M2 में क्या आता है, M2 में क्या होगा, M1 की सारी चीजें आएगी जितनी भी हमने पढ़ी है, CB, DDB और ODB, ये तीनों चीजें तो आएगी पूरा M1। साथ में अगर हम लोगों का पैसा कुछ पोस्ट ऑफिस में हमने जमा करा रखा है, पोस्ट ऑफिस में अगर हमने सेविंग्स बैंक अकाउंट में सेविंग्स अकाउंट खुलवाया है और उसमें पैसा जमा करवाया, तो वो सारा भी M2 में आ भी जाएगा। यानी बैंकों के साथ साथ जो हमने पोस्ट ऑफिस में पैसा सेव किया हुआ है वो M2 के अंदर आता है। अब बात उठती है M3 क्या होता है भाई, M3 में क्या क्या चीजें आएगी, M1 की सारी चीजें आएगी, CB, DDB, ODB सारी चीजें आएगी, और साथ में
टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स, यानी हमारे जो बैंक होते हैं उन बैंकों में अगर हमारा कोई टाइम डिपॉजिट, जैसे फिक्स डिपॉजिट, अगर हमारा कोई फिक्स डिपॉजिट भी है तो वो M3 में आ गया। तो M1 में क्या था, यानी हमने अगर सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट में जो पैसा जमा करवाया वो तो है ही है बैंकों के पास, साथ में हमने अगर कोई फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी खुलवा रखा है, FD भी बनवा रखी है, तो वो भी M3 में ही आएगी। ठीक है, मतलब एक नई चीज ऐड हो गई, यानी FDs वगैरह ऐड हो गए हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं M4 और लास्ट, तो इसमें क्या होगा, M3 है, M3 का मतलब पूरा M1, साथ में अपने टाइम डिपॉजिट और साथ में पोस्ट ऑफिस में भी जो हमने टोटल डिपॉजिट्स हैं, चाहे हमारे वो हमने कोई सेविंग्स अकाउंट में हो, चाहे कोई FD वगैरह कुछ भी पैसे किसी भी टाइप में जमा करवा रखे हो, तो वो M4 में आ जाएंगे, यानी M4 में आपके लगभग सारी ही चीजें इंक्लूड हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी कंसेप्ट्स ऑफ मनी सप्लाई। तो नैरो मनी कंसेप्ट क्या है और ब्रॉड मनी कंसेप्ट क्या है। अगर हम M1 और M2 मेजर्स यूज कर रहे हैं तो उसे बोला जाएगा नैरो मनी कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। इसका रीजन क्या है कि M1 और M2 को हम जो है नैरो मनी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या यूज होता है, लिक्विड एसेट्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जैसे आपके यहाँ डिमांड डिपॉजिट्स, करेंसी है ना, या फिर और कोई डिपॉजिट या सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा है, तो ये बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे नैरो कंसेप्ट कहा गया है। अब अगर हम M3 और M4 यूज करते हैं तो इसे ब्रॉड मनी कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसका भी मैं आपको रीजन बताती हूं, क्योंकि देखो इसमें टाइम डिपॉजिट्स, टोटल डिपॉजिट्स यूज हो रहे हैं, और आपको पता है कि फिक्स डिपॉजिट जो है वो सेविंग्स डिपॉजिट की तरह नहीं होता कि आप ATM में गए और आपने एक मिनट में एकदम पैसा निकलवा लिया। ठीक है, उनको जो है कैश में कन्वर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और वो लंबे टाइम पे बेसिकली मैं बोलूंगी मैच्योर होते हैं। ठीक है, तो अगर आपका पैसा थोड़े टाइम में जो है के लिए आपने जमा करवाया है तो आपका यहाँ पे हो जाएगा M1 और M2, यानी ये क्या हो गए, नैरो मनी कंसेप्ट, और ये जो पैसा है ये देर में बहुत मैच्योर होता है। ठीक है, इतना ज्यादा लिक्विड नहीं होता है, इसलिए इसे कहा गया है M3 M4 को ब्रॉड मनी कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो गया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।